नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज के आंदोलन अपडेट में हम बात करेंगे हाथरस कांड की। उसमें एक नया मोड़ आया है और वो बहुत बेहद दिलचस्प है, साथ ही किसान आंदोलन। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान ऐसा माना जाता है कि सरकारें जनता की समस्याओं के प्रति कुछ ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। ऐसा ही कुछ सोचा है पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने। और यहाँ एक ककेटा डैम बना था जिसके 556 विस्थापितों में से केवल 56 विस्थापितों को मुआवजा मिला था। बाकी 500 विस्थापितों को लगता है कि सरकार इस दौरान उनकी मांग मान लेगी और मुआवजे की जो उनकी मांग है वो लंबे समय से लंबित है, उस पर सरकार ध्यान देगी, जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है। और अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो ग्रामीणों ने कहा है कि वो वोट बहिष्कार करेंगे और उपचुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। देखना है इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है। उधर पंजाब और हरियाणा, जो कि पिछले 16 दिन से किसान आंदोलन का केंद्र बने हुए हैं, वहां से एक बुरी खबर आई है कि संगरूर और मानसा में दो किसान आंदोलनकारियों की मौत हो गई है। संगरूर में एक 65 वर्षीय किसान नारा लगाते हुए भगत सिंह के बारे में एक कविता की, उसको पढ़ते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। वहीं मानसा जिले में रेल रोको आंदोलन के दौरान पटरी पर लगातार एक दादी बैठ रही थी, तेजी कौर, जो कि लगभग 85 वर्ष की थी और वो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके रेल रोको आंदोलन में लाती थी, उनका भी निधन हो गया है। इसके साथ ही पंजाब से ही खबर है कि पंजाब में जो 7 थर्मल पावर हैं उन पर भी इस आंदोलन का बुरा असर पड़ रहा है। वहां कोयले की पहुंच नहीं हो पा रही है, रेल रुकी हुई है, रेलवे का वहां तक नेटवर्क नहीं है। इस वजह से 7 जो थर्मल पावर हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। और अभी आज शाम तक की स्थिति ये थी कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे का कोयला बचा हुआ है। तो अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो ये थर्मल पावर बंद हो जाएंगे और बिजली संकट से भी पंजाब को जूझना पड़ सकता है। अब आते हैं हाथरस पर। हाथरस कांड में नित नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार की ओर से पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है और दिलचस्प ये है कि सरकार का जो दावा है उसे ही सच भी माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार से झूठ बोलने की उम्मीद आमतौर पर नहीं की जाती है, लेकिन ऐसे कई बयान हैं जो कि इस पूरे मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। पहले सरकार ने कहा कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये फंडिंग PFI के जरिए हुई है। अब ये फंडिंग किसने की है, किस अकाउंट में आई है, इसके बारे में सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है और सरकार इसे साजिश बताते हुए पूरे आंदोलन को, जो महिला हिंसा के खिलाफ पूरे देश में उबाल है, उसे एक साजिश करार देते हुए इसमें विदेशी हाथ बता रही है। लेकिन आज इसमें एक नया मोड़ आया जब सरकार ने ये कहा कि इस मामले में एक नक्सली महिला जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार में रह रही थी और वो भाभी बनकर रह रही थी वहां पर। इस महिला का संबंध जबलपुर से बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह घटना के 2 दिन बाद ही यानी 16 सितंबर को पीड़ित परिवार के पास पहुंच गई थी और वहां घूंघट कर भाभी बनकर वहां रहती थी और लोगों से बात करती थी, साथ ही लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। अब इसे रहस्यमय महिला कहा जा रहा है जिसके नक्सल कनेक्शन को मजबूत करते हुए सरकार ये कह रही है कि यह पूरी तरह से साजिश थी और ऐसी कोई घटना उस बच्ची के साथ में हाथरस में नहीं हुई है। ये एक नैरेटिव है। ऐसे नैरेटिव लगभग हर मामले में गढ़े जा रहे हैं और सरकार इसमें अपने दावे को सच करते हुए कोई सबूत पेश नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। हमारी रिपोर्टिंग भी जो हो रही है वो भी इसी तरह से है कि सरकार के दावे को सच मानते हुए उसे ही रिपोर्ट को सच मान लिया जाता है। ये अखबारों में भी कुछ इस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि हेडिंग में सरकार का दावा होता है और उसके ऊपर पतली पतली लाइन में ये लिखा जाता है कि ये सरकार के दावे के। तो आपके पास भी अगर आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें जरूर लिखें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा मेल आईडी और फोन नंबर है जिस पर आप, अगर आपने आंदोलन अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।